सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता भाई, बोलिए बाबा गंगाराम की। आए हुए सभी सदस्यों का, सभी भक्तों का श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति मुंबई इस 26वें विराट वार्षिक महोत्सव में आपका स्वागत करती है। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। फिर बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोलिए माता गायत्री की जय। बोलिए उस परिवार की जय। बोलिए इस परिवार की। एक बार फिर से बोल दीजिएगा बाबा गंगाराम जी की जय। भाई अभी नॉर्मल मॉनिटरिंग अच्छी है, म्यूजिक के साथ इस भजन में देख लेंगे। ये हम वर्ष 2018 में आ चुके हैं। 2017 का जो वर्ष रहा वो कई मायनों में हम भक्तों के लिए, हम पूरी संगत के लिए यादगार रहेगा। कुछ दुख के पल, कुछ सुख के पल, लेकिन जो बाबा जी का ज्ञान है, अनुपम अद्भुत ज्ञान है कि हमें जीवन के फ्लो के साथ चलते रहना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो भजन संध्या है आज, जो हमारा बाबा गंगाराम मुंबई समिति जो है बाबा गंगाराम जी की, हमारा वार्षिक महोत्सव हम मना रहे हैं, तो चलिए एक मीठी सी प्रार्थना है। हमारे बड़े भाई, हमारी दीदी, उनकी सुपुत्री पूना से पधारे हैं, विदाउट फेल बाबा जी के कीर्तनों में पहुंचते हैं। एक बड़ी मीठी सी प्रार्थना है बाबा जी के चरणों में, आप सबके चरणों में सादर प्रणाम, मम्मी जी के साथ चरणों में सादर प्रणाम। हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, हम वर मांगे तुम वरदानी, अंधकार सब दूर भगाओ, बाबा मम हृदय बस जाओ। जितने भी हम बाबा गंगाराम जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, हर सांस हर पल सिर्फ यही विनती रहती है, क्या कि हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, हम वर मांगे तुम वरदानी, अंधकार सब दूर भगाओ, बाबा मम हृदय बस जाओ। हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, हम वर मांगे तुम वरदानी, अंधकार सब दूर भगाओ, बाबा मम हृदय बस जाओ। पंचदेव मंदिर विख्याता, दर्शन हित भगतन का ताता,
पंच देव मंदिर वे ख्याता दर्शन हित भगतन का ताता सत्संग को दर्श कराओ बाबा मम हृदय बस जाओ सत्संग को दर्श कराओ बाबा मम हृदय बस जाओ और थोड़ा जज्बात पे काबू रखिए थोड़ा सा कम बहुत ज्यादा हो गया हाँ रिदम नहीं मिल रही थी मॉनिटर पे बस बस परफेक्ट और एक बड़ा एक मीठी सी प्रार्थना है बाबा जी के चरणों में कि बाबा जी हमको है बस ध्यान तिहारा बाबा रख लो मान हमारा हमको है बस ध्यान तुम्हारा बाबा रख लो मान हमारा देर नहीं अब और लगाओ बाबा मम हृदय बस जाओ देर नहीं अब और लगाओ बाबा मम हृदय बस जाओ अभी संतरे से आपने मेरे साथ गाना है क्या गाएंगे आप बाबा मम हृदय बस जाओ और जग से निराला द्वार तुम्हारा जग से निराला द्वार तुम्हारा सुंदर है परिवार तुम्हारा जग से निराला द्वार तुम्हारा सुंदर है परिवार तुम्हारा तरसे अब ना और सताओ बाबा मम हृदय बस जाओ अब बोलिए बाबा मम जोर से बाबा मम हृदय बस जाओ बाबा मम हृदय बस जाओ बाबा मम हृदय बस जाओ जय हो म्यूजिक घर घर धर्म पताका लहरे घर घर धर्म पताका लहरे भक्तों पे गंगा राम के पहरे घर घर धर्म पताका लहरे भक्तों पे गंगा राम के पहरे पाप दोष से आन बचाओ बाबा मम हृदय बस जाओ पाप दोष से आन बचाओ बाबा मम हृदय बस जाओ सबने मीठी मीठी तालियां बजानी हैं तालियां बजाने से आपकी हाजिरी लगती है बाबा की लौ जगती है और भजनों को लय मिलती है और कण कण में है वास तुम्हारा
कण कण में है वास तुम्हारा है संजीव संजीव भी तो है दास तुम्हारा कण कण में है वास तुम्हारा संजीव भी तो है दास तुम्हारा मेरी बिनती को सुन जाओ बाबा मम जोर से बाबा मम बाबा मम भाई लोग यहां से बाबा मम मोदी जी बाबा मम हृदय बस जाओ बाबा मम हृदय बस जाओ हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी हम वर मांगे तुम वरदानी अंधकार सब दूर भगाओ बाबा मम हृदय बस जाओ 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 अब बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की बोलिए श्री पंच देव दरबार की बोलिए गायत्री मात की बोलिए सांचे दरबार की और बोलिए उस परिवार की ये दरबार ऐसा दरबार है मुझे हर साल ये कहने का मौका मिलता है कई जगह पे कहने का मौका मिलता है मासिक कीर्तनों में कहने का मौका मिलता है या जहां पूरे भारतवर्ष में जहां भी बाबा जी का कीर्तन होता है मुझे आमंत्रित किया जाता है मैं वहां यही बोलता हूं कि बाबा गंगाराम जी की असीम अपार कृपा मेरे परिवार पर मेरे कई इष्ट मित्रों पर बरसी है और मैं चाहता हूं कि यही कृपा आप सबके ऊपर आने वाले हर भक्त जो नहीं भी आ पाते हैं उनके ऊपर भी बाबा अपनी कृपा बरसाए रखें और ये साल जो 2017 का था ये हम सब के लिए बड़ा विशेष रहा इसमें हम भक्तों को सच में सही मायनों में कई चीज़ें सीखने को मिली हैं और यहाँ बैठे कई भक्त हैं जो बाबा जी के अनन्य भक्त हैं उनके चरणी लगे हुए भक्त हैं वो इस बात को मानेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी में हौसला होता है हिम्मत होती है उससे रिलेटेड बाबा जी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया पिछले 2017 वाले साल में तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बाबा जी से विनती करते हैं कि बाबा जी ऐसी कृपा बनाए रखना ऐसे भजन ऐसे कीर्तन हम जब जब करें तो साक्षात अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराना हमें अपने आशीर्वाद का अपने साक्षात्कार का प्रमाण देना और ऐसी अनुपम असीम कृपा बने कि हमारी जिंदगी से जो दुख हैं वो तो दूर हो जो आने वाले हैं वो भी हमारे निकट ना आए बोलिए बाबा गंगाराम जी की बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की da da de de da da de da 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 de da da F sharp G G sharp da da chalega A flat na G sharp और बाबा जी से एक विनती करते हैं एक प्रार्थना और करते हैं कि हे बाबा हे गंगाराम जी हे विष्णु अवतारी हे महा अवतारी बाबा गंगाराम जी मैं कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना कौन कौन बोलना चाहता है कौन कौन चाहता है कि वो घर में जोत जगाए और बाबा साक्षात उसके घर में पधारे हैं
और ये भी कहना, भले आपका घर वन बेडरूम का हो, थ्री बेडरूम का हो, सिक्स बेडरूम का हो, बंगले हो, लेकिन जो बाबा जी का घर है ना, क्यों मालूम है, एक छत्र राज चल रहा है। तो ऐसे कितने खंड हैं जो बाबा जी के हैं, तो हम तो उनके सामने यही कहेंगे कि बाबा कुटिया में धर चरण कमल, इस भक्त के भाग जगाना, मैं कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना, कुटिया में धर चरण कमल, इस भक्त के भाग जगाना, कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना, कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना, कुटिया में धर चरण कमल, इस भक्त के भाग जगाना। और बाबा जी से कहना है कि बाबा जी आपका इतना सुंदर पंचदेव दरबार है, झुंझुनू में पंचदेव दरबार है, लेकिन आज आपकी कृपा से मुंबई में हम उसके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो पंचदेव दरबार है, इसमें सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति विराजमान है, उसके बाद पूरा का पूरा शिव परिवार विराजमान है, फिर हनुमान जी हैं, फिर माँ दुर्गा, और बीचों बीच इस जग के पालक, इस जग के पालनहारी मेरे बाबा गंगाराम जी विराजमान हैं। तो इसलिए सबसे पहले, अच्छा आज के इस दर्शन की मैं खास बात आपको बता दूं कि बाबा जी पुष्पक विमान पर विराजमान हैं, ब्रह्मांड का नजारा है, और ये जो साक्षात्कार आप सारी मूर्तियों के कर रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां मंदिर में विराजमान हैं, ये साक्षात वहीं के मंदिर के स्वरूप हैं, सारे के सारे वहीं की फोटोग्राफ्स हैं। तो आप साक्षात पंचदेव मंदिर में विराजमान हैं, बाबा जी के बाईं ओर चरणों में भक्त शिरोमणि जी विराजमान हैं, और यहाँ मेरे दाईं ओर माँ गायत्री विराजमान हैं। और इसलिए बाबा जी से कहना है कि बाबा जी माँ लक्ष्मी को संग में लाना। ये जब मैं गाना शुरू करता हूं तो कोरस क्यों गायब हो जाता है? 18वां साल है मेरा, राजू भाई जी, राजू धानुका जी गए, मां लक्ष्मी को संग में लाना, धन की कमी को दूर भगाना, मां लक्ष्मी को संग में लाना, धन की कमी को दूर भगाना, सुख वैभव बरसाना बाबा मेरे घर आना, सुख वैभव बरसाना बाबा मेरे घर भी आना, कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना। शिव परिवार को संग में लाना, शिव परिवार को संग में लाना, कार्तिक गणु गौरा को लाना, कार्तिक गणु गौरा को लाना, विघ्न हमारे हटाना बाबा मेरे भी घर आना, विघ्न हमारे हटाना बाबा मेरे भी घर आना। और
हनुमत को भी संग में लाना, हनुमत को भी संग में लाना, सिया राम के दर्श कराना, सिया राम के दर्श कराना, भक्ति से ज्ञान बढ़ाना बाबा मेरे घर भी आना, भक्ति से ज्ञान बढ़ाना बाबा मेरे भी घर आना, कीर्तन घर में रखूंगा बाबा मेरे घर भी आना। और माँ दुर्गा को संग में लाना, ममता करुणा खूब लुटाना, माँ दुर्गा को संग में लाना, ममता करुणा खूब लुटाना, संजीवन भजन सुनाना बाबा मेरे भी घर आना, संजीवन भजन सुनाना बाबा मेरे घर भी आना, संजीवन भजन सुनाना बाबा मेरे भी घर आना, संजीवन भजन सुनाना बाबा मेरे भी घर आना। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। अब बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की। कितने लोग बैठे हैं यहाँ आवाज आ ही नहीं रही। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय हो। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय हो। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय। मैंने ढूंढ लिया है पता तेरा, तेरा झुंझुनू शहर में है डेरा, चिट्ठी लिख भेजी है तुझको, तेरे खत की प्रतीक्षा है मुझको। वन टू थ्री गो। गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना, नहीं चैन पड़े ना है आराम। गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना, नहीं चैन पड़े ना है आराम। विष्णु रूप कली मलहारी, तू ही राम है तू ही बनवारी, तू है विष्णु रूप कली मलहारी, तू ही राम है तू ही बनवारी, इस पाती के हर शब्द में तू देखेगा करुणा मेरी प्रभु। गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना, नहीं चैन पड़े ना है आराम। गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना, नहीं चैन पड़े ना है आराम। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खत ना मिला, हे बाबा, हे मेरे गंगाराम जी,
हे मेरे आराध्य, हे मेरे परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खत ना दिखा, उस खत में मैंने सब था लिखा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खत ना दिखा, उस खत में मैंने सब था लिखा। मेरा रोम रोम प्रभु तेरा है, तू ही मेरी सांझ तू सवेरा है। गंगाराम गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना नहीं चैन पड़े ना है आराम। गंगाराम गंगाराम मेरे मन में बसे हैं गंगाराम, एक संदेशा भेजो ना नहीं चैन पड़े ना है आराम। सुनते हैं भगवन और धन्य बनाते हैं जीवन, संजीव की सुनते हैं भगवन और धन्य बनाते हैं जीवन। गंगाराम ने मेरी भी सुन ली, खत भेजा नहीं प्रगटे खुद ही। भक्तों ने हाथों में मेरे नाम की डोरी ली है था, मैं भक्तों के वश में हूँ कहते हैं बाबा गंगाराम। भक्तों ने हाथों में मेरे नाम की डोरी ली है था, मैं भक्तों के वश में हूँ कहते हैं बाबा गंगाराम। मैं भक्तों के वश में हूँ कहते हैं बाबा गंगाराम। मैं भक्तों के वश में हूँ कहते हैं बाबा गंगाराम। ये ट्यूनिंग है। जय हो, जय हो। लव यू गणेश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा इन म्यूजिशियंस के लिए। तालियां नहीं, ये लोग तालियों के भूखे स्टेज शोज में होते हैं। यहाँ एक बार इनके नाम का जोरदार जयकारा ताकि इनकी भी हाजिरी लगे। बोल बाबा गंगाराम जी की जय। और एक बार जोरदार जयकारा मेरे साउंड वाले भैया के लिए, बहुत अच्छा साउंड, वेरी गुड। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की। बोलिए गायत्री मात की। बोलिए इस परिवार की। और इस दरबार ने हम भक्तों को क्या क्या नहीं दिया। यहाँ कई ऐसे भक्त हैं जिनके साथ चमत्कार हुए हैं, और अभी आपके सामने जो स्टेज पर खड़ा होकर गा रहा है, पिछले 18 साल में तो अनगिनत चमत्कार मेरे बाबा गंगाराम जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किए हैं। बोलिए बाबा गंगाराम जी की। और मैं दुनिया भर में पेशेवर होकर गाता हूँ, लेकिन ये कुछ एक या दो दरबार दुनिया के ऐसे हैं जहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं दिन गिनता रहता हूँ। अगर बहुत बड़ी कोई कमिटमेंट नहीं की हुई है पहले से, तो मैं दिन गिनता रहता हूँ कि कब बाबा जी का ये विराट वार्षिक महोत्सव हो और मैं अपनी हाजिरी लगाऊँ। बोलिए बाबा गंगाराम जी की। और इसलिए हम भक्तों के लिए जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वो है बाबा जी का पंचदेव दरबार, जो कि झुंझुनू राजस्थान में स्थित है, और इसका एक प्रतिरूप आज आप यहां देख रहे हैं। ये बाबा गंगाराम जी का एग्जैक्ट दरबार तो नहीं, बट एक कल्पना है, और बड़ी प्यारी, बड़ी दैविक, बड़ी सीरीन और बड़ी पायस कल्पना है
जिन भी कलाकारों ने इसमें हाथ बटाया है इसको सजग करने के लिए और इतना सहज बनाने के लिए, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करें। जिन भक्तों ने रात रात बैठ के इस दरबार को ये रूप दिया है, उन भक्तों को भी बाबा जी अपनी कृपा से अपनी कृपा का पात्र बनाएं, ऐसी मनोकामना है। और ये अरदास हम करते हैं कि बाबा जी अगर आपने हम पर ये कृपा कर दी तो हम धन्यवाद स्वरूप क्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा के दर्शन करने आएंगे हम बाबा तेरे धाम। आ गई, क्या बात है, पहली तेरे को आवाज आ रही थी वहां तक। दर्शन करने आएंगे हम बाबा तेरे धाम। क्यों आएंगे? धन्यवाद करना है, बन गए सारे बिगड़े काम। और ये झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। ये झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। दर्शन करने आएंगे हम बाबा तेरे धाम। दर्शन करने आएंगे हम बाबा तेरे धाम। धन्यवाद करना है, बन गए सारे बिगड़े का। के झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। के झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। मन में तेरी ज्योत जगी, नित तेरा नाम लिया हमने। मन में तेरी ज्योत जगी, नित तेरा नाम लिया हमने। गणपति को फिर तुझे नमन, हर हर एक काम किया हमने। हर एक काम किया हमने, हर एक काम किया हमने। जितनी थी निराशा खो गई। किस किस ने बाबा जी का नाम लिया है और उसकी निराशा दूर हुई है? बोले बाबा गंगाराम जी की। जितनी थी निराशा खो गई, हर मुश्किल आसान हो गई। जितनी थी निराशा हो गई, हर मुश्किल आसान हो गई। तपती धूप में नाम लिया तो मिला मुझे आराम। तपती धूप में नाम लिया तो मिला मुझे आराम। धन्यवाद करना है बाबा, बन गए बिगड़े काम। के झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। के झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। कहा कि मुझे 18 साल हो गए हैं इस दरबार से जुड़े। सन 2000 में जनवरी के महीने में ही जुड़ा था मैं। सबसे पहला एक कीर्तन था अजय सराफ भाई, अजय सराफ जी के यहाँ। और उसके बाद जो मेन कीर्तन था वो स्तुति मोदी, हमारे भाई प्रदीप मोदी जी, उनके घर पे था। और ये जनवरी का ही महीना था सन 2000 का। और आप ये समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव जो 18 साल पहले आया, उसके जो जिन्होंने साक्षात्कार किया था वो भी यहाँ बैठी हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय अनिल देवड़ा जी की मम्मी यहाँ बैठी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ है, उनके बच्चे भी यहाँ हैं, दिशा यहाँ है, बाबू यहाँ हैं, शानू चाइना में है,
इन लोगों ने मेरी जिंदगी में वो दिन देखा था जिस दिन मेरी जेब में 500 रुपए भी नहीं थे। मैंने घर छोड़ दिया था और 500 रुपए भी नहीं थे, और इस परिवार ने रात को 11:30 बजे मुझे शरण दी थी। मेरी बीवी को 102 बुखार था। मम्मी जी याद है ना, आपके हाथ की गरम गरम रोटियां, दाल और चावल इन्होंने रात को 11:30 बजे बनाया था हमारे लिए, हमें अब तक याद है। वो दिन है 18 साल से लेकर आज तक, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे भजन गाने का सलीका भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे बाबा गंगाराम जी ने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा मेरा और ऐसा साथ दिया कि आज मैं जहां हूं ये मेरी औकात से ऊपर है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसे पल आएंगे, ऐसा दिन आएगा कि मात्र आज से 8 या 10 साल पहले ही, मतलब ये 18 साल में 8 साल बाद ही मेरा अपना घर हो गया था। मैं अपनी 2 गाड़ियां मेंटेन कर रहा था, और आज बाबा जी की ऐसी असीम अपार कृपा है कि बिना होम लोन का मेरा घर है 18 साल में। बोलिए बाबा गंगाराम जी की। और मैं अकेला नहीं हूं, यहां एक और परिवार है जिसने 10 से 12 साल किराए के घर में बिताए और आज मेरे बाबा गंगाराम जी ने उन्हें महलों जैसा घर दिया है। जिनके बारे में बोल रहा हूं कुछ लोग समझ भी गए, वो आए भी हैं, बड़ी दूर से चल के आते हैं। ऐसी कई कृपाएं होती हैं, और इसलिए ये सत्य है जो मैं बोल रहा हूं, क्या कि मैं तो कंकड़ पत्थर था, हीरा तूने बना दिया। मैं तो कंकड़ पत्थर था, हीरा तूने बना दिया। मोल नहीं था रत्ती का, अनमोल है तूने बना दिया। अनमोल है तूने बना दिया, अनमोल है तूने बना दिया। जो भक्ति करेगा उसको भी ये ज्ञान मिलेगा, उसको भी जो भक्ति करेगा उसको भी ये ज्ञान मिलेगा, उसको भी इस दुनिया के बाजार में उसका बढ़ जाएगा दाम। इस दुनिया के बाजार में उसका बढ़ जाएगा दाम। धन्यवाद करना है, बन गए सारे बिगड़े काम, के झुंझुनू धाम पावन है, के झुंझुनू धाम पावन है, यहाँ का हर दिन सावन है। दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक सच्चा रहबर जो होता है, मार्गदर्शक होता है, सच्चा गुरु, सच्चा साथी मिलना ये बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे दरबार जो होते हैं, ऐसे सच्चे सुच्चे पवित्र दरबार जो होते हैं, ये जो जोत जग रही है यहाँ, ये साधारण जोत नहीं है, ये मेरे बाबा गंगाराम जी की अखंड प्रचंड जोत है, जिसके आप मात्र दर्शन अगर दिल से कर लें, कोई भी मनोकामना आपके मन में हो, कोई भी अधूरा काम जो आपका ना बन रहा हो, एक सच्चे मन से अपने इष्ट को याद किए, ऐसा नहीं कि बाबा गंगाराम जी के स्वरूप को लाना है, जो भी आपके कुल देव हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, इष्ट हैं, गुरु हैं, उनका ध्यान करना है मात्र इस सच्चे दरबार में। ये वो शक्ति है जो मरे हुए इंसान को जीवित कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म कर देता है। और इसीलिए मैं क्या हूं ये बतलाया है, मुझ में विश्वास जगाया है। मैं क्या हूं ये बतलाया है, मुझ में विश्वास जगाया है। अपने भक्तों को पल पल तूने परचा दिखलाया है, तूने परचा दिखलाया है, तूने परचा दिखलाया है। संजीव की सुबह और क्या हुआ,
संजीव की सुबह दिन उज्जवल और सुखमय हो गई शाम। संजीव की सुबह दिन उज्जवल और सुखमय हो गई शाम। धन्यवाद करना है बन गए सारे बिगड़े काम के झुंझुनू धाम पावन है यहाँ का हर दिन सावन है के झुंझुनू धाम पावन है यहाँ का हर दिन पावन है के झुंझुनू धाम पावन है यहाँ का हर दिन सावन है के झुंझुनू धाम पावन है यहाँ का हर दिन सावन है। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय हो। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय हो। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय। बोलिए गायत्री मात की जय। फिर बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए उस परिवार की जय। ये जी पे है बट मैं एफ शार्प पे गाना चाहता हूँ। द ड ड ड ड ड ड ड हाँ द ड ड ड ड ड ड ड। बोली बाबा गंगाराम जी की। चलिए कुछ भजन जो मेरा मन है कि मैंने आपसे कहा पिछला साल कुछ विशेष रहा हमारे लिए। करीब एक डेढ़ महीना पहले ही माँ गायत्री वैसे तो हमारे साथ हैं, इस पल भी हमारे साथ हैं, लेकिन माँ गायत्री की का जो चरित्र रहा है, जो उनके जीवन की विशेषताएं हैं, वो इस भजन में आपको जानने मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा और थोड़ी देर हम अपने स्वरों की सुरांजलि माँ गायत्री के शुभ चरणों में अर्पित करेंगे। माँ गायत्री कौन है, उनका महत्व क्या है, इस भजन को आप ध्यान से सुनिएगा कि माँ गायत्री है त्याग तपस्या की मूरत, तेजस्वी जिनकी सूरत। मॉनिटर्स को देख लीजिएगा प्लीज, डिस्टॉर्ट हो रहे हैं मॉनिटर्स। वाणी में विष्णु समाए, एक दरस में सौ सौ तीरथ। माँ गायत्री आज और आज से बाबा गंगाराम जी के दाई ओर हमारे लिए दाई ओर विराजमान रहेंगी। आप इस वक्त भी अगर इस स्वरूप को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे माँ गायत्री साक्षात हमें आशीर्वाद देती हुई विराजमान है बाबा जी के चरणों में। और माँ गायत्री गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, ओ भक्तों है तू यही है गंगाराम। है त्याग तपस्या की मूरत, तेजस्वी जिनकी सूरत, वाणी में विष्णु समाए, एक दरस में सौ सौ तीरथ। माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों है तू यही है गंगाराम। माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों है तू यही है गंगाराम। ये एक लीला थी बाबा गंगाराम जी की कि जब देवकी नंदन जी, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी और माँ गायत्री जी का रिश्ता हुआ था, उस वक्त शायद पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये आम विवाह है, कोई सामान्य सा साधारण सा विवाह है, शादी है। लेकिन वो लीला क्या थी,
बाबा गंगा राम की लीला तब ना कोई जाना। बाबा गंगा राम की लीला तब ना कोई जाना। देवकी की अर्धांगनी है तू गायत्री को माना। ये बंधन विष्णु लोक का ना समझो ये संजोग था। जग के लिए था ब्याह रचा पर देव मिलन का योग था। देव मिलन का योग था ये देव मिलन का योग था। थे देव देवता बाराती अप्सराएं गंधर्व गाती। हे भक्त शिरोमणि हर्षित माँ गायत्री मुस्काती। माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों है तू वही है गंगाराम। माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों है तू वही है गंगाराम। और फिर क्या हुआ? बाबा ने महाप्रयाण किए अधिकार देवकी को दान किए। बाबा ने महाप्रयाण किए अधिकार देवकी को दान किए। जा झुंझुनू मंदिर बनवाओ आदेश स्वप्न में आने दिए। जा झुंझुनू मंदिर बनवाओ आदेश स्वप्न में आने दिए। धर्म पता का पुत्र देवकी ने निज हाथों में थामी। मंदिर का निर्माण किया मन में भक्ति बाबा की। मन में भक्ति बाबा की। मन में भक्ति बाबा की। हर एक पल माँ गायत्री भक्त शिरोमणि के संग थी। ना लोभ किया माया का परिवार भी संग आया था। माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों है तू वही है गंगाराम। देखिए मैंने आपसे कहा कि माँ गायत्री सदा देवकी नंदन जी के साथ थी। बजाते रहिए कच जिंकर कच। और भक्त देवकी खाटी करोड़पति कलकत्ता में इंडस्ट्रीज चल रही फैक्ट्रियां चल रही थी। बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे। और एक रात देवकी जी को स्वप्न आया और बाबा गंगाराम जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ। झुंझुनू जाओ मेरे बताए हुए स्थान पर एक गड्ढा खोदना शुरू करो। उन्होंने स्वप्न में दर्शाव किए। भक्त देवकी ने गड्ढा खोदना शुरू किया तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति अवतरित हुई। उसके बाद शिव परिवार की मूर्तियाँ अवतरित हुई। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति और फिर माँ दुर्गा की। और बीचों बीच एक तेज प्रताप फैल गया। एक दिव्य आभा फैली और बाबा गंगाराम जी की मूर्ति अवतरित हुई। और बाबा जी का आदेश हुआ कि इसी स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और भक्त देवकी ने वहीं पंचदेव मंदिर का निर्माण शुरू किया। ये सब जितना भी प्रसंग हो रहा था उसमें साक्षात माँ गायत्री का पल पल उनको साथ था। भले माँ गायत्री अपने परिवार के साथ कलकत्ता में थी और देवकी नंदन जी झुंझुनू में मंदिर का निर्माण कर रहे थे। मंदिर का निर्माण हुआ ये भी एक मिसाल है कि मंदिर का निर्माण जैसे ही पूरा हुआ तो भक्त देवकी ने अपने परिवार को माँ गायत्री से कहा एक संदेशा भेज के
कि अब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है तो पूरे परिवार को यहां पंचदेव झुंझुनू में आके रहना पड़ेगा। एक बार भी कलयुग में एक बार भी मां गायत्री ने नहीं सोचा और पूरे के पूरे परिवार को लेकर पंचदेव प्रांगण में आ गए। वरना आजकल जो घोर कलयुग है उसमें माफ कीजिएगा जो लेडीज होती हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अपना घर नहीं छोड़ती, अपना कमरा नहीं छोड़ती, और माँ गायत्री ने कलकत्ता में सब कुछ छोड़कर पंचदेव में वास करना शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरे परिवार को लेकर माँ गायत्री पंचदेव मंदिर आ गई। जब ये पूरा परिवार आ गया तो देवकी नंदन जी ने और माँ गायत्री जी ने उनके पास जितना भी कुछ धन दौलत जेवर थे सब दान में दे दिया, सब कुछ दान में दे दिया। मां गायत्री ने भी अपने अंग के जितने जेवर थे सारे दान में दे दिए। और इसीलिए संस्कार संतानों में मां गायत्री के आए, संस्कार संतानों में मां गायत्री के आए, दोनों पुत्र व चार पुत्रियां संग मैया के आए, दोनों पुत्र व चार पुत्रियां संग मैया के आए, तपती गर्मी बारिश सर्दी जो भी मौसम आए, पहले प्रहर में उठ मैया पंचदेवों की ज्योत जगाए, पंचदेवों की ज्योत जगाए, माँ पंचदेवों की ज्योत जगाए, बस पंचदेव की पूजा। कल्याण कार्य था दूजा, बस पंचदेव की पूजा, कल्याण कार्य था दूजा, सत्संग अनुपम है माँ का, प्रसाद है बाबा का, माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों हेतु वही है गंगाराम, माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों हेतु वही है गंगाराम। अब देखिए मैं आपको बताता हूं माँ गायत्री की त्याग तपस्या कैसी थी। मैंने यहां बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने लिखवाया कि तपती गर्मी बारिश सर्दी जो भी मौसम आए, तपती गर्मी बारिश सर्दी जो भी मौसम होता था, माँ गायत्री पहले प्रहर में 3:30 बजे उठती थी। और हम बात करते हैं जाड़ों की, जो राजस्थान की ठंड होती है वो आपको पता है 0 डिग्री तक 2 डिग्री 4 डिग्री तो अमूमन होता ही है, लेकिन ऐसी ठंड में माँ गायत्री प्रातः उठकर ठंडे पानी से स्नान करके पंच देवों की पूजा अर्चना करती थी, आरती उतारती थी, और उसके बाद देखने वालों ने साक्षात्कार किया है, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं भक्त जिन्होंने इस बात का साक्षात्कार किया है कि माँ गायत्री जब ठंड में पूजा अर्चना करती थी तो उनके हाथ ठंड से सिकुड़ जाते थे और गरम गरम रेत को बाल्टियों में भरा जाता था और उन बाल्टियों में गरम गरम रेत में माँ अपने हाथ घुसा घुसा कर अपने ब्लड सर्कुलेशन को वापस लेकर आती थी। ये त्याग तपस्या कलयुग में देखने को नहीं मिलती। बोलिए मात गायत्री की, बोले पंचदेव दरबार की, भक्त शिरोमणि ने बाबा जैसे जब महाप्रयाण किया, भक्त शिरोमणि ने बाबा जैसे जब महाप्रयाण किया, अपनी शक्ति भक्ति का माँ गायत्री को दान किया, अपनी शक्ति भक्ति का माँ गायत्री को दान किया, त्याग दिया संसार का सब सुख प्रांगण तीर्थ बनाया, पुण्य धाम के कण कण में बाबा का रूप समाया, बाबा का रूप समाया, बाबा का रूप।
हर वचन सत्य है माँ का, जो करती भला जहाँ का, संसार यहाँ झुकता है, संजीव भी तो करता है, माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों हेतु यही है गंगाराम, माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भक्तों हेतु वही है गंगाराम, ओ भक्तों हेतु वही है गंगाराम, ओ भक्तों हेतु वही है गंगाराम। बोल दीजिए माँ गायत्री की, फिर बोलिए गायत्री मात की, बोलिए सांचे दरबार की, और बोलिए उस परिवार की, फिर बोलिए सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार की, दरबार की। देखिए पीछे जो बातें करने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि सत्संग है आपको, हमें मालूम है कि आपका समय भी जाया हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अंदर आ जाएं तो बड़ा ही आनंद आएगा, सत्संग का माहौल। कहते हैं रहोगे दूर चौखट से तो फकत रोना ही रोना है, तेरे किस्मत में ये बंदे सिर्फ खोना ही खोना है, ये दुनिया तुम्हें कुछ ना देगी चल मेरे बाबा के दरबार में, उधर तो पीतल ही पीतल और इधर सोना ही सोना है। तो जरा सभी सामने आ जाएं और जरा जयहोदार जयकारा लगाए, बोल बाबा गंगाराम की। यहाँ जितने भी आदरणीय भक्त जन पधारे हैं उनके चरणों में साक्षात प्रणाम। मुझे समय का अल्टीमेटम मिल गया है, वैसे ज्यादा समय नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नए भजन हैं, माँ गायत्री की असीम अपार कृपा पिछले दो दिन से बरस रही है, तो मैं आज भी एक बड़ी असीम कृपा हुई दोपहर को, यहाँ 1:30 बजे का टाइम लिखा है भजन का, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबकी झोलियों में प्रसाद रूप में वो डालूं और बाबा जी के चरणों में वो अर्पित करूं। तो फास्ट फॉरवर्ड में गा दूं, बोलिए बाबा गंगाराम जी की। एक भजन जो बड़ा प्यारा है माँ गायत्री का, उसको अर्पित करते हुए दो या तीन चार भजन नए हैं वो मैं गा दूंगा। बी फ्लैट दीजिएगा मुझे। डा डे डा डा डे डा 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 डे डा डा डे डा डा, गणेश मेरे प्यारे भाई, डा डा डे डा डे डा 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 डे डा 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 डे डा डा, दर दर दा 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 दर दर दा। टेक्निकल इशू, ये इतना टाइम कट जाएगा मेरे टाइम में से। लुप्त सरस्वती की धारा को, यहाँ ज्यादातर लोग राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता होगा कि ऐसी एक मान्यता है कि राजस्थान में लुप्त सरस्वती नदी बहती है, वो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन लुप्त सरस्वती की धारा को, लुप्त सरस्वती की धारा को हमने बहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, धरती अंबर स्वर्ग के सुख को, धरती अंबर स्वर्ग के सुख को हमने रहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में,
लुप्त सरस्वती की धारा को हमने बहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, धरती अंबर स्वर्ग के सुख को हमने रहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। निर्मल कोमल चित है और करुणा भरे नैना है, जो पंच देव आते हैं कहे हमको यहीं रहना है, निर्मल कोमल चित है और करुणा भरे नैना है, जो पंच देव आते हैं कहे हमको यहीं रहना है, भक्तों के दुख कटते देखे, भक्तों के दुख कटते ब्रह्मानंद को बैठे देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। तंत्र मंत्र की करनी से दूर ये पावन दर है, सरल उपायों से माँ दे राहत भागे डर है, तंत्र मंत्र की करनी से दूर ये पावन दर है, सरल उपायों से दे माँ राहत भागे डर है, वेद पुराणों को भी हमने, वेद पुराणों को भी हमने गाथा कहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। और हम में से कितने भक्त यहाँ भाग्यशाली हैं जिन्होंने माँ गायत्री से साक्षात आशीर्वाद पाया है, कौन कौन है? साक्षात माँ गायत्री ने आपके सर पे हाथ रखा हो। हम कुछ विरले भाग्यशाली भक्त हैं जिनको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने उन हस्तों से आशीर्वाद पाया, उन हाथों से आशीर्वाद पाया जिन्होंने मात्र अपने पति की चिता को अग्नि स्वीकार हुई थी और दोनों हाथ उठाकर सूर्य देव की साक्षी में बाबा गंगाराम जी से अरदास की थी और चिता पर चमत्कार हुए थे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आशीषें देने हैं तू हम सब की जिंदगी चुन ली, आशीषें देने हैं तू हम सब की जिंदगी चुन ली, जिन हाथों की अरदासें प्रभु सूर्य देव ने सुन ली, स्पर्श किया तो तेज निराला, स्पर्श किया तो तेज निराला, हमने भी सह के देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में।
और श्री गंगाराम स्वरूपा माँ गायत्री बड़ भागी, श्री गंगाराम स्वरूपा माँ गायत्री बड़ भागी, जिनके पावन दर्शन से संजीव की किस्मत जागी। श्री गंगाराम स्वरूपा माँ गायत्री बड़ भागी, जिनके पावन दर्शन से संजीव की किस्मत जागी। गर्व घमंड गुरूर की हमने, गर्व घमंड गुरूर की दीवारों को ढहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, 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 माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। बोल दीजिए माता गायत्री की, फिर बोलिए गायत्री मात की, बोलिए पंचदेव दरबार की। पहले नए वाले भजन गा देता हूं, बाद में पता नहीं कब माइक खींच लिया जाए। इशारे हो रहे हैं।